तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का EVS का चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टेस्ट के बारे में हमें शुरू में बताया गया है। तो झुंपा रैन इन टू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, गिव मी गुड़ जैगरी एंड रोटी। तो क्या होता है, जो झुंपा होती है वो किचन की तरफ जाती है और अचानक से वो अपनी मदर को बोलती है, मम्मी मम्मी ये करेला तो मैं नहीं खाने वाली, ये तो बहुत कड़वा है, मुझे मीठा मीठा गुड़ खाना है रोटी के साथ। जो उसकी माँ थी वो ये चीज़ सुन के स्माइल करने लगी और उन्होंने बोला, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तो वो ये बोलती है कि बेटा तुमने सुबह सुबह तो शुगर और रोटी, मतलब चीनी और रोटी खाई थी, अब तुम्हें दोबारा खाना है गुड़ और रोटी। झूलन टीज्ड झुंपा। तो जो झूलन होता है वो टीज करता है झुंपा को, मतलब उसका मजाक उड़ाता है, उसको छेड़ने की कोशिश करता है। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, झुंपा क्या तुम बोर नहीं होती एक ही चीज खा खा के, झूलन ऐसा बोल के उसको चिढ़ाता है। झुंपा तभी रिप्लाई करती है तुरंत, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली। तो वो ऐसा बोलती है, क्या ना क्या तुम इमली खाने से कभी बोर होती हो। इमली किसे बोलते हैं हम लोग, टैमरिंड को। तो इमली काफ़ी खट्टी होती है टेस्ट के अंदर, तो वो इमली के बारे में ऐसा बोलती है कि तुम भी तो इमली खाती रहती हो, तुम इमली खाने से बोर नहीं होती कभी। आई बेट योर माउथ इज वॉटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि जब तुमने झूलन ये वर्ड इमली सुना है तो तुम्हारे मुँह के अंदर तो अपने आप ही पानी आ गया होगा। श्योर आई विल लव द सोर इमली, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, आई इवन ईट करेला, सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हर्टली। तो यहाँ पर वो ये बोलता है कि अच्छा मेरे को इमली तो पसंद है, जो झूलन है वो ऐसा बोलता है कि मुझे इमली तो पसंद है लेकिन मुझे स्वीट और सॉल्टी चीज़ें भी खाना पसंद है, देखो मैंने अभी अभी करेला भी खाया है। और उसकी जो मदर होती हैं उसकी तरफ वो ये देख कर ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हैं। जो झूलन होती है वो झुंपा को बोलती है, लेट्स प्ले अ गेम, हम एक गेम खेलते हैं, यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़। तो यहाँ पर झूलन झुंपा को ऐसा बोलती है कि एक ऐसा गेम खेलते हैं, आँखों के ऊपर तुम पट्टी बांध दो, देखो जैसे यहाँ पर इसने आँखों के ऊपर पट्टी बांधी है, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ खिलाऊंगी और तुम्हें बताना है कि आखिर वो चीज़ क्या थी। जो झूलन थी, झूलन बोलती है हाँ ठीक है चलो खेलते हैं। तो झूलन क्या करती है, कुछ ड्रॉप लेती है लेमन जूस के एक स्पून के अंदर और उसको झुंपा के माउथ के अंदर डाल देती है। तो झुंपा जैसे ही उस लेमन को टेस्ट करती है वो ज़ोर से चिल्लाती है, सोर लेमन ये तो खट्टा खट्टा नींबू है। झुंपा रिप्लाई करती है क्विकली। उसके बाद झूलन जो होती है स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, मतलब छोटा सा गुड़ का पीस उठाती है और उसकी मदर सजेस्ट करती है उसको कि ऐसा करो बेटा इसको क्रश करके खिलाओ। तो वो क्रश करती है और खिला देती है किसको, झूलन झुंपा को। तो वो जैसे ही झुंपा को देती है तो झुंपा क्रश इट, अदरवाइज शी विल नो इट, झूलन क्रश द जैगरी बट झुंपा इजीली गेस्ट इट। लेकिन झुंपा अभी भी जैगरी को खाते ही गैस कर लेती है, गुड़ को खाते ही गैस कर लेती है कि ये तो गुड़ था। दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम्स, झुंपा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी वॉट इज इट, झुंपा वॉज कन्फ्यूज, इट वॉज अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सोर, गिव मी वन मोर स्पूनफुल, झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, अनकवर्ड झुंपास आई एंड सेड, हेयर इट इज, ईट झुंपा लाफ्ड, यस गिव मी मोर। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी बहन उसके साथ एक प्रैंक कर देती है। अब वो देखती है कि झुंपा सारी चीज़ों को गैस कर पा रही है तो उसको फ्राइड फिश भी खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो पहले ही पता कर लेती है उसकी स्मेल से। तो वो बोलती है कि अपनी नाक बंद करो, तो ऐसा ही करती है, जो झुंपा होती है वो अपनी नाक को बंद कर लेती है, नोज़ को क्लोज कर लेती है जिससे कि अब उसे खुशबू ना आए।
और उसकी जो बहन होती है जूलन, वो अब उसके मुंह के अंदर करेले खिला देती है। तो जब वो पहली बार करेले खाती है तो वो बोलती है, अरे ये क्या चीज़ है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरी नाक बंद है तो मुझे खुशबू ही नहीं आ रही है, ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है। तो वो बोलती है दोबारा झुम्पा के, अरे मेरे को दोबारा खिलाओ, एक चम्मच और खिलाओ जूलन। तो जूलन उसको एक और चम्मच खिला देती है करेला। तो वो जब दोबारा खा रही होती है तब वो उसकी आंखों से पट्टी हटाती है और उसे दिखाती है कि देखो तुमने तो करेले खा लिए हैं। तो इसी चीज़ को लेकर वो लोग हंसने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करो। तो जूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हिट द वर्ड इमली, व्हाई डज योर माउथ वाटर। तो हमारा जो माउथ है वो वाटर क्यों करता है? जैसे यहाँ पर जो जूलन थी, जैसे ही वो इमली सुनती थी उसके मुँह के अंदर पानी आ जाता था, जैसे ही मैं पिज़्ज़ा सुनता हूँ मेरे भी मुँह के अंदर पानी आ जाता है। तो ऐसे ही आपकी भी कोई ना कोई चीज़ तो फेवरेट होगी जिसको सुनते ही आपके मुँह के अंदर पानी आता होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। और आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर 5 things जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। तो यहाँ पर है क्लोज योर आइज एंड टेल। तो यहाँ पर क्लोज योर आइज एंड टेल हमें गेम बताया गया है, कुछ एक्टिविटी है, उसको देखते हैं। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड जूलन। तो जैसा झुम्पा और जूलन ने गेम खेला था ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। अपनी आइज़ को क्लोज करो और डिफरेंट डिफरेंट फूड के आइटम टेस्ट करो और बताओ कि आखिर वो खाने की चीज़ क्या थी। हाउ डिड इट टेस्ट, वॉट वॉज द फूड आइटम। तो आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हो अपने दोस्तों से कि ये टेस्ट कैसा था जो चीज़ हमने तुम्हें खिलाई, और दूसरा सवाल क्या पूछ सकते हो कि ये बताओ कि वो फूड आइटम कौन सा था। तो यहाँ पर ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट। तो आप एक और चीज़ भी है जो आप अपने साथ भी चेक कर सकते हो। मान लो आप कोई खाने की चीज़ लेते हो इस गेम के अंदर, तो जब आप अपनी जीभ के आगे बिल्कुल आगे वाले पार्ट पे रखते हो तो उसका टेस्ट ज़्यादा नहीं आता, जब पीछे वाले पार्ट पे रखते हो तो बहुत ज़्यादा आता है, बीच वाले पार्ट पे रखते हो तो मतलब थोड़ा मीडियम लेवल का आता है टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें भी आप क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, इन सब चीज़ों को भी देख सकते हो। तो यही बताया गया हमें। आगे है यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई, पुट सम शुगर ऑन द जैगरी और जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनी थिंग, वाई डिड दिस हैपन। तो आप क्या कर सकते हो, क्लीन क्लॉथ लो और अपनी टंग के ऊपर जो भी मतलब सलाइवा है, थूक है, उसको पोंछ लो, ड्राई कर लो अपनी टंग को, और उसके बाद थोड़ी सी शुगर या फिर जैगरी रख दो अपनी जीभ के ऊपर, मतलब गुड़ या फिर चीनी। तो क्या आप गुड़ या चीनी को टेस्ट कर पा रहे हो? नहीं कर पाओगे। ऐसा करके देखना, घर पर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर हमें डिस्कस के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब टेस्ट ऑफ आमला और क्यूकम्बर, ये सब हमें टेस्ट वगैरह डिस्क्राइब करने के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वॉलो इट। इन द पिक्चर गिवन बिलो ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ये देखो कि खाना आखिर हम खा तो लेते हैं, खाते कहाँ से हैं, मुँह से। तो अब ये खाना जाता कहाँ पर है, किस तरीके से जाता है, तो आपको एक पिक्चर दे दी गई है। अब इस पिक्चर के अंदर आपको पार्ट ड्रॉ करना है जहाँ जहाँ पर खाना जाता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो खुद से बनाने का, बड़ी क्लासेस में आप प्रॉपर वे सीखोगे, प्रॉपर तरीका सीखोगे इनको ड्रॉ करने का, ऑर्गन्स को। लेकिन अभी आप अपनी साइड से जो भी आपके दिमाग के अंदर आता है उसे कोशिश करके बना सकते हो, दिखा सकते हो टीचर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स। तो यहाँ पर एक ये लड़की है, ये बोल रही है कि जब भी मैं भूखी होती हूँ मेरे सर के अंदर दर्द होने लगता है। ये लड़का बोल रहा है कि जब भी मेरे को भूख लगती है मैं बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आने लग जाता हूँ। और जब ये बहुत ज़्यादा भूखा होता है, ये दूसरा वाला बच्चा, तो ये कैसा फील करता है, टायर्ड, थका हुआ। When my sister is hungry, she cries. और ये लड़की बताती है कि जो इसकी ये छोटी सी बहन है, जब ये भूखी होती है तब ये रोने लग जाती है। और यहीं पर एक डॉग भी है जो ये बोल रहा है कि मैं भी रोने लग जाता हूँ जब मुझे कुछ खाने के लिए इंसान लोग नहीं देते। तो यहाँ पर ये डॉग ने भी ऐसा बोला है। तो नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। अब जो नीतू है उसको एक ग्लूकोज की ड्रिप दी गई है। ये दिख रहे हैं आप, ये बॉटल के अंदर, दिस इज ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, ये देखो इस लड़की के हाथ में कनेक्ट हो रहा है। तो हमारे हाथ के अंदर इसको कनेक्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली ये इस बॉटल से ये जो लिक्विड है, ग्लूकोज है, हमारी बॉडी के अंदर आता रहता है। अब ग्लूकोज क्यों दे रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज देने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है।
मान लो आप अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और ऐसे ही बहुत बड़ी सी सुई आपके हाथ में लगानी पड़ेगी और एक बॉटल ग्लूकोज की आपको डॉक्टर देंगे। नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे, शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। बाई इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। वेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड। तो क्या होता है, नीतू जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, ठीक है, पूरे दिन भर वो बीमार रही। उसको वॉमिटिंग मतलब उल्टी हुई, लूज मोशंस हुए, बार बार वो टॉयलेट जाने लगी। उसके बाद वो कोई भी चीज़ खाने की कोशिश करती थी तो उसे खाने के बाद वो क्या कर देती थी, वॉमिट कर देती थी, उल्टी कर देती थी। तो उसके पापा जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने बोला कि शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया जाए क्यों ना नीतू को, तो वो ऐसा करते हैं। तो शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन क्या से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है हमें। तो इवनिंग के समय क्या होता है, जो नीतू थी वो बहुत ज़्यादा वीक और डिजी हो गई। डिजी मतलब कि उसका सर भी चकराने लगा, बहुत ज़्यादा वीक हो गई। अब क्या होता है कि जो उसके फादर थे उसको डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जा रही थी तब वो फेंट हो जाती है। फेंट मतलब कि बेहोश होकर गिर जाती है। जो उसके फादर होते हैं उसको कैरी करते हैं डॉक्टर तक ले जाते हैं अपनी गोद के अंदर। जो डॉक्टर था वो ये बोलता है कि नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, के नीतू को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना चाहिए और उसको ग्लूकोज की ड्रिप देनी पड़ेगी। ग्लूकोज की ड्रिप, ये जो ग्लूकोज देख रहे हैं इसको, ग्लूकोज को हाथ के अंदर ऐसे लगा देते हैं, इसे बोल देते हैं हम लोग ग्लूकोज की ड्रिप। तो जो हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज। जब नीतू ने ऐसी बात सुनी तो नीतू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई। वो जानती थी गेम्स पीरियड के, जब स्कूल में गेम्स पीरियड होता था जो टीचर थे वो उन्हें कभी कभी ग्लूकोज पीने को दे दिया करते थे। जब गेम वगैरह खेलते हैं ना बच्चे, तो बच्चे थक जाते हैं, थकने की वजह से एनर्जी थोड़ी बच्चों के अंदर कम हो जाती है। तो टीचर क्या करते थे, सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज दे देते थे कि बेटा ये ग्लूकोज पी लो तो तुम्हें थकावट नहीं होगी, तुम्हें वीक महसूस नहीं होगा, तुम्हारे अंदर एनर्जी की कमी नहीं होगी। बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ग्लूकोज ड्रिप क्या थी। तो डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन करा कि जो तुम्हारा स्टमक है ये अपसेट है, मतलब कि तुम्हारा स्टमक खाने पीने की चीज़ों को पचा नहीं पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, और तुम्हारी जो बॉडी है, तुम कोई भी चीज़ फूड खाती हो, मतलब खाने की कोई भी चीज़ खाती हो या पानी पीती हो, वो तुम्हारी बॉडी से निकल जाता है और इनके ना होने की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो ग्लूकोज ड्रिप से क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रेंथ मतलब कि ताकत आ जाएगी बिना कुछ खाए भी। तो बिना कुछ खाए सीधे इसके अंदर पावर आ जाएगी, ऐसे ही ग्लूकोज ले सकती है, ठीक है। तो बच्चों देख लो, अगर खाना नहीं खाओगे तो ऐसी इतनी बड़ी सी बॉटल तुम्हारे हाथ में लगा दी जाएगी, ग्लूकोज ड्रिप दे दी जाएगी जैसे नीतू को दी गई थी। आगे एक हमें पोएम दी गई है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो इन क्वेश्चंस को आई होप आप सब कर लोगे क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लग रहे हो मुझे। नेक्स्ट है हमारी मार्टिन्स वीडियो की एक शायद ये पोएम है, तो इसको रीड करके देख लेते हैं। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन स्टमी। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लेड अ लॉट, द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। तो क्या होता है कि एक मार्टिन नाम का पर्सन होता है, ठीक है, उसके पास एक विंडो थी, लेकिन बड़ी ही अजीब सी जगह पे विंडो थी। हम सबके घरों के अंदर विंडो होती है, स्कूल के अंदर विंडो होती है, लेकिन क्या होता है कि मार्टिन ऐसे ही लड़ाई कर रहा था किसी से, तो उसको क्या लगती है, एक दिन गोली लग जाती है और गोली लगती है उसके स्टमक के अंदर, बहुत ज़्यादा मार्टिन को खून आता है। धीरे धीरे करके जो चोट होती है वो ठीक होने लगती है, लेकिन जो गोली का निशान था, मतलब जहाँ पर छेद हुआ था गोली की वजह से स्टमक में, वो अभी भी वैसे का वैसा ही था और तुम अभी भी पीप राइट इन मतलब उसके अंदर अभी भी देख सकते हो। ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने सोचा, अरे वाह, इसके तो पेट के अंदर छेद मिल गया, अब तो हम देख सकते हैं कि पेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और पढ़ सकते हैं। व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी, और डॉक्टर ये भी पढ़ पाएंगे कि जो हमारा फूड है वो कहाँ पर जाता है, स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर आखिर ये इस फूड का होता क्या है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर लाइव देख सकते थे। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू, द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। तो यहाँ पर ये जो कहानी है
या जो ये पूरी पोएम की फॉर्म में हमें स्टोरी बताई गई है, हमें देखो ऐसा लगता है कि ये स्टोरी नकली है या सर ऐसे ही कहानी बना के बता रहे हैं बुक के अंदर, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये रियल स्टोरी है। और इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, क्योंकि वो पढ़ पाए हैं, रिसर्च कर पाए हैं, एक्सपेरिमेंट कर पाए हैं मार्टिन के ऊपर, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर पाए हैं, जिससे कि उन्हें पता चला कि हम लोग खाने की चीज़ें कैसे पचाते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी है ये पूरी, अ स्टमक विद अ विंडो। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। इन 1882 ही वॉज 18 ईयर ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्थी। वेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमोंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन्ड द वूंड एंड पुट द ड्रेसिंग। After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. तो मार्टिन के बारे में बताया, मार्टिन क्या था, एक सोल्जर था, ठीक है। और 1882 के अंदर जब वो 18 ईयर्स का था तब वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, लेकिन तभी उसे अचानक से गोली लगती है उसके पेट के अंदर, बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो जाता है। तो जो डॉक्टर थे ब्यूमोंट, उन्होंने क्या करा, इसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करा, उन्होंने इसका इलाज करना शुरू करा। उन्होंने जो भी चोट लगी थी उसको साफ करा, वहाँ पर ड्रेसिंग मतलब कि वहाँ पर पट्टी वगैरह लगाई। और 1.5 साल बाद, 1.5 ईयर के बाद ये देखते हैं डॉक्टर कि क्या होता है कि मार्टिन का जो वाउंड था वो तो हील हो गया था, वाउंड तो हील हो गया था, लेकिन एक जो चीज़ थी वो चीज़ अभी भी वैसी की वैसी थी। वो था एक बड़ा सा होल स्टमक के अंदर मार्टिन के। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiment on this stomach? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. तो क्या होता है कि जो ये स्किन थी, पतली सी एक स्किन का पीस था जो उसके स्टमक के ऊपर, अगर उसको प्रेस करते थे तो उन्हें सारी चीज़ें क्लियरली दिख जाती थी, मार्टिन के स्टमक के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती थी। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा डॉक्टर को ये सारी चीज़ें देख के, उन्हें लगा अरे मुझे तो खजाना मिल गया, अब तो मैं कितनी ज़्यादा रिसर्च कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी बुक्स लिख सकता हूँ और लोग पढ़ सकते हैं कि स्टमक किस तरीके से काम करता है। तो उन्होंने बहुत सारे स्टमक करे, स्टमक के अंदर एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन आप लोग क्या गेस कर सकते हो कि कितने साल तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करे होंगे? उन्होंने 9 ईयर्स मतलब कि 9 साल तक ये एक्सपेरिमेंट करे। और मार्टिन अब बड़ा भी हो चुका था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टेड जूसेस इन द स्टमक हेल्प? Does it only help in making the food wet and soft or does it also help in digestion? तो पहले ज़माने में डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि स्टमक कैसे वर्क करता है, स्टमक के अंदर चीज़ें किस तरीके से डाइजेस्ट होती हैं। तो मार्टिन की वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें जानने को मिली। जो डॉक्टर ब्यूमोंट थे उन्होंने कुछ लिक्विड जूसेस लिए जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट थे, उन्हें निकाला और देखा कि क्या होगा जब फूड आइटम को ग्लास फिल करा उस लिक्विड जूस से और उसके अंदर फूड के आइटम्स को डाला। तो उन्होंने ये देखने की कोशिश करी क्या फूड का आइटम इसके अंदर डाइजेस्ट होगा। तो उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट करा विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द स्टमक। तो उन्होंने क्या करा कि मार्टिन के पेट से थोड़ा सा जो जूस टाइप था उसके स्टमक के अंदर उसको लिया। एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश 20 mm ऑफ द जूस इन 10 मिलीमीटर ऑफ द जूस। तो उन्होंने क्या करा, लगभग 20 छोटे छोटे 20 पीस लिए बॉइल्ड फिश के और उनको 10 मिलीमीटर जूस जो था, 10 मिलीमीटर उसकी क्वांटिटी बताई है जूस की और कुछ भी नहीं है, ये 10 मिलीमीटर जूस था, उसके अंदर उन छोटे छोटे पीसेस को डाला और ही कैप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज अवर स्टमक। और उस ग्लास को किस टेम्परेचर के ऊपर रखा, जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा स्टमक होता है। तो जब उन्होंने चेक करा तो वो जो पीसेस ऑफ फिश थे वो डिसॉल्व हो चुके थे, डाइजेस्ट हो चुके थे, पेट के अंदर गायब हो चुके थे। तो यही बताया गया है हमें। और भी बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और उनको रिकॉर्ड करा टेबल के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो अनबॉइल्ड मिल्क था लगभग 2 घंटे के अंदर हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हुआ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं।
तो सो व्हाट डज द स्टमक डू? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन. ही फाउंड आउट दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? तो क्या होता है कि डॉक्टर एक चीज़ पे आते हैं, एक चीज़ उन्हें पता चलती है कि जो खाना होता है वो हमारे पेट के अंदर जल्दी डाइजेस्ट होता है. जैसे अनबॉइल्ड मिल्क पेट के अंदर 2 घंटे 15 मिनट के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, लेकिन अगर हम पेट के जो जूसेस हैं, जो जूसेस प्रेजेंट थे उन्हें निकाला था डॉक्टर ने और बाहर एक्सपेरिमेंट करा था, तब 4 घंटे 45 मिनट लगे थे. तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता चलती हैं. और उन्हें ये भी पता चलता है कि जो फूड है वो सारा हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे पीसीस के अंदर उसे ब्रेक करता है हमारा स्टमक. और डॉक्टर ने ये भी देखा कि फूड जब डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड, जो फूड था वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था जब मार्टिन क्या था थोड़ा दुखी हुआ करता था. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन अवर स्टमक इज एसिडिक. और उन्हें ये भी पता चलता है कि जो जूस है हमारे स्टमक के अंदर वो एसिडिक है. Have you heard of anyone talking about acidity? क्या आपने कभी किसी को अपने घर के अंदर एक बात बोलते हुए सुना है कि है ना हमें एसिडिटी हो रही है, पेट के अंदर जलन हो रही है, हमारा पेट तो जल रहा है. तो ये एसिडिटी क्या चीज़ होती है? तो ये जो एसिडिटी होती है ये क्यों हो जाती है? जब कोई प्रॉपरली खाने की चीज़ें नहीं खाता, या तो वो बाहर की चीज़ें ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा लेता है, जैसे समोसे कचौड़ी वगैरह ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर खा लेता है, तो ये दिक्कत आ जाती है. तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के, ये बहुत साल तक चलते रहे और उन्होंने वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लोगों को बताई. यहाँ पर हमें थिंक एंड डिस्कस के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, गुड फूड गुड हेल्थ. तो यहाँ पर गुड फूड गुड हेल्थ के बारे में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग गुड फूड गुड हेल्थ को. डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट. डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट हैं, रश्मि और कैलाश. डॉक्टर अपर्णा दोनों से बात करती हैं, ठीक है, और उनके बारे में देखने की कोशिश करती हैं कि उनके बारे में क्या बात है. तो देखते हैं हम लोग, रश्मि जो है, रश्मि 5 ईयर्स की और कैलाश कितने ईयर्स का है? 7 ईयर्स का. तो रश्मि जो है शी लुक्स अबाउट 3 ईयर ओल्ड. शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बैलून. शी ऑफन फॉल्स सिक. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. फूड, शी इज़ लकी इफ शी कैन गेट अ लिटल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. तो यहाँ पर जो रश्मि है, रश्मि के बारे में बात हुई है. रश्मि एक 5 साल की लड़की है, लेकिन जब उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो 3 साल की है. हाथ बहुत पतले पतले हैं उसके, और जो उसका स्टमक है एक बड़े से बैलून की तरह है, ठीक है. बहुत जल्दी जल्दी रश्मि बीमार भी पड़ती है, इसी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाती, और यहाँ तक कि उसके अंदर तो इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खेल भी सके. वो फूड जो है, खाने की चीज़ें हैं, वो बिचारी रश्मि को ये समझ लो कि थोड़े बहुत राइस मिल जाते हैं, चावल मिल जाते हैं, या फिर पूरे दिन के अंदर एक रोटी मिल जाती है. तो या तो चावल मिलते हैं थोड़े से, या फिर रोटी. तो यहाँ पर कैलाश की भी बात करते हैं. जो कैलाश है वो 7 साल का है, लेकिन देखने में वो अपनी एज से ज़्यादा लगता है. ऐसा लगता है कि 7 साल का नहीं है, बहुत बड़ा है. इसकी जो बॉडी है वो बहुत फैट है और फ्लैबी है. फ्लैबी मतलब कि मतलब एक तरीके से ढीली है इसकी बॉडी. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव. उसके पैरों के अंदर दर्द रहता है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है. वो स्कूल जाता है बस से और ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करता है टीवी देखते हुए. आजकल तो बच्चे मोबाइल चलाते हुए करते हैं स्पेंड ज़्यादातर टाइम, तो ऐसा करता है कैलाश. फूड जो है वो, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल एंड रोटी. अब यहाँ पर जो रश्मि थी, ये तो बेचारी शायद गरीब होगी, इस वजह से इसे खाने की चीज़ें बहुत कम मिलती थी. लेकिन यहाँ पर कैलाश जो है, कैलाश को तो घर की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये घर की चीज़ें खाता ही नहीं है. इसे अच्छा ही नहीं लगता घर का खाना, जैसे हम लोगों को अच्छा नहीं लगता. इसको तो मज़े आते हैं क्या चीज़ खाने में, चिप्स बर्गर पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कि ये मार्केट से लेता है. सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या, जो अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, वो पीने में से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. जो डॉक्टर अपर्णा थी, उन्होंने मेजर करी हाइट और वेट दोनों बच्चों की, और उन्होंने बताया उन्हें कि ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम. तो यहाँ पर बताती हैं कि तुम दोनों की जो दिक्कतें हैं, मतलब इसके पैर में दर्द हो रहा था, थोड़ा थका थका रहता था, ये भी ऐसी थी, तो ये बताती है कि तुम दोनों बेटा ठीक हो जाओगे अगर तुम प्रॉपर फूड खाओगे, अच्छे से खाना खाओगे, घर का खाना खाओगे, ठीक है. फाइंड आउट, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डर लोगों से आप बात कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि वो लोग क्या खाते थे.
ठीक है, और किस टाइप से वो वर्क करते थे जब वो आपकी एज के थे। तो जब आपकी एज के थे वो कितना ज़्यादा काम करते थे। अब अपने बारे में सोचो कि आप डेली कितनी एक्टिविटीज़ करते हो और क्या क्या चीज़ें खाते हो। तो क्या आप में और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में सेम डिफरेंस है या नहीं है। मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप ज़्यादा काम करते हो या कम काम करते हो। ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चे कम ही काम करते होंगे। तो प्रॉपर फूड की बात हुई है, प्रॉपर फूड जो है वो हर बच्चे का राइट है, हर बच्चे को खाने को तो मिलना चाहिए। यू हैव रेड अबाउट टू चिल्ड्रन, वन इज़ कैलाश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड, द अदर वन इज़ रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर लाइक रश्मि। अब आप सरप्राइज हो जाओगे कि जो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं हमारी कंट्री के अंदर वो रश्मि जैसे हैं, जिनको बेचारों को खाने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उनको इतना भी खाना नहीं मिलता कि उनकी बॉडी अच्छे से प्रॉपर ग्रो कर पाए, अच्छे से उनकी बॉडी ग्रो कर पाए। दीज चिल्ड्रेन आर वीक, और ये बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं और बहुत जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, इनकी पुअर हेल्थ होती है। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रेन टू गेट प्रॉपर फूड, और लेकिन हर बच्चे का एक राइट है कि उसको खाने की चीज़ें मिलनी चाहिए, खाने को मिलना चाहिए, सारी चीज़ें उसको खाने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है जो कि ओरिसा की है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपके चैप्टर के इम्पोर्टेंस की नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने कवर कर ली हैं और यहीं पर हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोज़ बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।